हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरफराज कसमानी nstinfotech.com से, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक इमेज या कंटेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन किया जाता है, सेंटर में कैसे अलाइन किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, सो इससे रिलेटेड आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो मैंने एक डिव लिया है और उसमें मैं एक आईडी लेता हूँ आउटर बॉक्स, ठीक है, और उसके अंदर मैं एक इमेज रखता हूँ, इमेज सोर्स। मैंने एक इमेज डाली है, सॉरी इमेज, ओके। उसका विड्थ जो है मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 40%, ठीक है। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे कि ये इमेज लेफ्ट में है। अभी यही इमेज को हमको सेंटर में लाना है, तो हम थोड़ा सा सीएसएस लिखेंगे इसके लिए। पहले तो आईडी है, तो हैश आउटर बॉक्स, इसका विड्थ डालेंगे 400, हाइट डालेंगे 400। मैं एक बॉर्डर डाल देता हूँ ताकि आपको वो बॉक्स जो है वो दिखने लग जाए। कलर मैं दूंगा ब्लैक। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि ये बॉक्स में एक इमेज है, ठीक है, और वो बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है टॉप में। अभी हमको इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में सेंटर में करना है तो बहुत ईजी है। इसको मैं एक क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर एक क्लास देते हैं इमेज ब्लॉक करके, और यहाँ पे वो क्लास इमेज ब्लॉक मैं लिखूँगा, और उसको मैं सिर्फ मार्जिन ऑटो दूंगा और डिस्प्ले ब्लॉक दूंगा, तो वो जो है कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। लेकिन यही इमेज को हमको वर्टिकल अगर सेंटर करना है तो मुश्किल है, इस तरीके से नहीं होगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो मैं ये वाला जो है सीएसएस निकाल देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए था। अगर किसी ने आपको हॉरिजॉन्टल के लिए पूछा तो ये करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर आपको वर्टिकली भी अगर सेंटर करना है तो फिर ये नहीं काम करेगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको ये क्लास भी ज़रूरत नहीं है, ये क्लास भी हम यहाँ से जो है निकाल देंगे। अब मैं स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ पे हमको लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि इमेज जो है वर्टिकली भी सेंटर में आ गई और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ गई, तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल करना है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया वो करना है, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर और अलाइन एलिमेंट सेंटर। सिर्फ ये तीन कोड लिखोगे आपका काम हो गया, ठीक है। अब ये इमेज की जगह पे अगर मैं एक डिव यूज़ करता हूँ, ओके, और उसमें कुछ कंटेंट है समझो, और मैं उसको एक आईडी देता हूँ इनर बॉक्स। अब ये जो इनर बॉक्स है वो मुझे सेंटर में चाहिए। पहले तो मैं थोड़ा सा इनर बॉक्स के लिए एक सीएसएस लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने में। 100px हाइट जो है वो मैं 100px दूंगा, ठीक है, और बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं कलर दे दूंगा उसको ग्रे, ठीक है। और मैं जो है रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे अभी तो ये सेंटर में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा हूँ, इसको मैं कराऊँ तो ये जो है आपका सपोज़ ये एक अंदर का डिव है उसको आपको सेंटर में लाना है, तो सेम इसी तरीके से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। तो अभी आप मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये बिल्कुल जो है वो सेंटर में आ जाएगा। तो आपको जो है वो आउटर बॉक्स को
जो है वो CSS लगानी है और बाकी का div inner है उसको कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने background वगैरह डाला था, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो आप image को भी इसी तरीके से center कर सकते हो और कोई उसके अंदर div है तो उसको भी आप इस तरीके से center में align कर सकते हो। तो I hope कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।